Friends, welcome all of you in my YouTube channel. Friends, इससे पहले मैं Elizabethan age का discuss कर चुका हूँ और अब मैं Elizabethan writers के बारे में discuss कर रहा हूँ. सबसे पहले मैं लेता हूँ Francis Bacon. Francis Bacon. Friends, इससे पहले वाले वीडियो में धोखे से बेन का लिख दिया है, बेकन है बी ए सी ओ एन, लेकिन आप बी ए एन लिख दिया हमने धोखे से, सॉरी उसके लिए. तो इनका जो लाइफ सर्किल है वो 1561 टू 1626 माना जाता है. इन्होंने एसेज की फर्स्ट सीरीज लिखी थी, एसेज सीरीज, जिसमें 10 एसेज को इन्होंने डिस्कस किया था और इसमें इसे इन्होंने 1597 में पब्लिश कराया. सेकंड एसे सीरीज जो थी, उसमें इसे इलाज करते हुए इसमें 38 एसेज को इन्होंने फिर 1612 में पब्लिश कराया था. मित्रों, इनके जो एसेज हैं, इनके एसेज जो जी सीरीज थी, इनको इन्होंने सब टाइटल दिया था. इस सब टाइटल का नाम था सब टाइटल, इसका नाम इन्होंने दिया था काउंसिल सिविल एंड मॉरल्स, मॉरल ये कहकर के इन्होंने इसका सब टाइटल दिया था. दूसरा, इनके जो एसेज हैं, इनके जो एसेज हैं वो प्रैक्टिकल विजडम, से भरे हुए हैं और इसीलिए फ्रांसिस बेकन को एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफ ह्यूमन नेचर कहा जाता है, इसीलिए इनको ए साइकोलॉजिस्ट ऑफ ह्यूमन नेचर कहा जाता है. ए प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफ ह्यूमन नेचर कहा जाता है. इनके सभी एसेज मैक्सिम या प्रोवर्ब्स या फिर अफोरिज्म या अफोरिस्टिक अफोरिज्म कहे जा सकते हैं. एक्चुअली अफोरिज्म टर्म के ये स्वयं ही प्रोपाउंडर माने जाते हैं, ऑरिजिनेटर माने जाते हैं. तो इनके एसेज को हम ये तीन नाम भी दे सकते हैं, एक ही अर्थ है तीनों का. तो ये हम इस तरह से इनको पुकार सकते हैं और कॉल कर सकते हैं. इसके बाद फ्रेंड्स, इनके जो मुख्य कुछ प्रोवर्ब भी हैं इनकी, जैसे आप लीजिएगा रिवेंज, इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, रिवेंज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, ये फेमस है. दूसरा है व्हाट इज ट्रुथ, तो ये इनके प्रोवर्ब्स हैं जो इनके एसेज से ली गई हैं. उसके बाद इनके अन्य वर्क्स भी हैं, जैसे आप लीजिएगा न्यू अटलांटिस, ये न्यू अटलांटिस को इसे अनदर यूटोपिया भी कहा जा सकता है, इसे न्यू अटलांटिस को अनदर यूटोपिया भी कहा जाता है. और इनके जो फिलोसफिकल वर्क्स हैं, इनमें
the advancement, of learning ये इन्होंने और एक और लिखा है द नवम ऑर्गेनम ये इन्होंने इंग्लिश में लिखा और ये इन्होंने लैटिन में लिखा ये फिलोसफिकल बात है उसके बाद मित्रों बेकन को फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंडक्टिव फिलॉसफी फादर ऑफ इंडक्टिव फिलॉसफी कहा जाता है और ये इनकी जो डेथ थी 1626 में कोल्ड की वजह से हुई थी तो ये हल्का सा मैंने आपको फ्रांसिस बेकन का परिचय दिया दूसरे नंबर पर आता है एडमंड स्पेंसर फ्रेंड्स एडमंड स्पेंसर एडमंड स्पेंसर जिनका जो लाइफ सर्कल है 1552 टू 1599 माना जाता है जैसे ही फ्रांसिस बेकन की द सेफर्ड्स सेफर्ड्स कैलेंडर '1579 में पब्लिश होती है वैसे ही इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश पोएट्री में ए न्यू एपॉक और एरा बिगिन हो जाता है ये इन्होंने आर्केइक लैंग्वेज आर्केइक लैंग्वेज में लिखा था और इसे उन्होंने ऑन वर्जिल एंड थियोक्रेटस थियोक्रेटस के मॉडल पर लिखा था मॉडल तो उन्होंने जो लिखा था तो थियोक्रेटस और वर्जिल के मॉडल पर लिखा था इसमें सेफर्ड्स कैलेंडर में 12 शॉर्ट पैस्टोरल पोएम्स को रखा गया था यानी इक्लॉक्स भी कह सकते हैं एडमंड स्पेंसर सबसे पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में इक्लॉक्स लिखना शुरू किए थे इनको ही सिरे जाता है इसके बाद मित्रों इनका फेरी क्वीन वर्क है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्क माना जाता है फेरी क्वीन जो वर्क है वो जो है इनका महत्वपूर्ण तो है ही है जैसे ही ये 1590 में रिटन हुआ वैसे ही इनको सेकंड ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लैंड घोषित कर दिया और इनको
देखो पोएट्स पोएट्स भी पोएट्स पोएट भी कहा गया और इसके बाद अगर पोएट्स पोएट कहा गया था तो वो जॉन कीट्स थे। तो ये जो है इनका महत्वपूर्ण वर्ग रहा। इसके बाद मित्रों आता है आपका इनका अमॉर्टी। अमॉर्टी ये जो है इन्होंने 88 सोनेट्स का कलेक्शन था लिखा था, 88 सोनेट्स का कलेक्शन था। इसमें 88 सोनेट थे, उसका एक कलेक्शन था, संग्रह था। उसके बाद इन्होंने लिखा एफी थर्मियन और प्रोथर्मियन, प्रोथर्मियन। ये दोनों ही मैरिज पोएम, दोनों ही मैरिज वर्क हैं। ये इन्होंने अपने स्वयं की मैरिज के लिखा ये, और इसे जो है इसे हम लिख सकते हैं मैरिज और, ये इन्होंने लिखा था अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर। अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर जो थे जिनकी दो टू डॉटर्स थी, दो बेटियां थी इनकी, इन दोनों बेटियों की शादी पर इन्होंने ये प्रोथर्मियन लिखा था। इसके बाद इनके कुछ माइनर वर्क्स भी आते हैं फ्रेंड्स। माइनर वर्क्स में इनके माइनर वर्क्स में इनके मदर वर्ड्स टेल और एक आता है टीयर्स ऑफ म्यूजिक। ये दोनों ही पेसिमिज्म को दर्शाते हैं, पेसिमिज्म के बहुत अच्छे बेहतरीन एग्जांपल हैं। और ये आपका जो मदर वर्ड्स टेल है ये माना जाता है सटायर ऑन, सटायर ऑन द पोएट्स एंड द क्लर्जी। ये क्लर्जी और पोएट्स पर सटायर माना गया। उसके बाद आपका जो वर्क आता है वो, उसके बाद जो लेखक आता है सर फिलिप सिडनी। इसके बाद वर्क जो आता है मित्रों वो सर फिलिप सिडनी का आता है। तो ये सर फिलिप जो सिडनी हैं, इनका जो लाइफ सर्किल है वो रहता है 1554 टू 1586। फ्रेंड्स इनको नाइट ऑफ शिवालरी कहा गया था। 32 वर्ष की एज में, 32 वर्ष की एज में वह नीदरलैंड के जो नीदरलैंड का प्लेस था जिसका नाम था जुटफैन में ये फाइटिंग के दौरान इनकी डेथ 1599 में हो जाती है। और ये फाइटिंग के दौरान जो सैनिक
इनको घायल कर देता है, उसी सैनिक को ये अपना जो वाटर था, पानी था, वो यह कहते हुए दे देते हैं कि thy need इज ग्रेटर देन मैन, thy need इज ग्रेटर देन मैन। इस प्रकार से मित्रों इनके कुछ वर्ग भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण वर्ग हैं इनके, वो सबसे पहला है एस्ट्रोफाइल एंड स्टेला। एस्ट्रोफाइल स्टेला ये मोर देन 100 सोनेट्स की एक कलेक्शन माना जाता है, वैसे 108 सोनेट है इसमें। यहां पर एस्ट्रोफाइल का जो अर्थ है वो है स्टार लवर्स, इसका मतलब है स्टार लवर्स, और स्टार लवर कह दीजिए, और स्टेला का जो मतलब है वो है स्टार। इसी बुक में एक औरा नाम की महिला है, इसका वास्तविक नाम है पेनेलोप, जिससे बाद में सिडनी मैरिज करते हैं, और इसके बाद इनका जो वर्क आता है वो आपका वर्क है वो है आर्केडिया। आर्केडिया क्या है, ये प्रोज रोमांस है, बेहतरीन प्रोज रोमांस है। उसके बाद आता है लिली, लिली का नाम, इनको लिली को यूफिस्टिक स्टाइल ऑफ प्रोज, प्रोज का ओरिजिनेटर माना जाता है, इनको ओरिजिनेटर कहा जाता है। और इनकी जो इफियस नाम की जो रचना थी यह बेहतरीन रोमांस या रोमांटिक नोवेल कहलाता है। इसके बाद मित्रों अब क्योंकि मैंने आपको बताया था इनका सर्किल मैं लिखना भूल गया हूं, 1554 इनका जो 1554 टू 1606 इनका भी है, तो ये हल्का सा मित्रों मैंने जिक्र दे दिया आपको चार पॉइंट्स। अब इसके बाद आता है महत्वपूर्ण एक रह गया विलियम शेक्सपियर, और विलियम शेक्सपियर जो थे क्योंकि उनका बहुत लाइफ सर्किल या उनकी बायोग्राफी मैं किसी क्योंकि जब वीडियो आपकी बड़ी हो जाएगी तो मैं अगले वीडियो में उनके लाइफ उनके वर्क के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। और बस आज के लिए एलिजाबेथन राइटर्स में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज और चैनल।